गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं जा रही हूँ एक नई जगह अपने पति देव के साथ। और थोड़ा मुझसे हाई हेलो कर दो। और आज हम कहीं इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं और आप गेस करोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आपको रास्ता भी दिखाती हूँ और उससे गेस करना, और बाकी का तो आपको पता चल ही जाएगा व्लॉग से, ठीक है। और चलो फिर चलते हैं साथ में, आओ आपको लेकर चलती हूँ आज की जर्नी पर। तो अभी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर हूँ और ये बहुत ही सुंदर और बहुत डेवलप्ड तरीके से बनाया गया है। और ये यूपी नोएडा से स्टार्ट होता है एंड दिस इज़ 6 लेन वाइड रोड विच इज़ अ बिग थिंग इन दिल्ली एनसीआर। एंड ये रोड बिना कोई रेड लाइट, बिना कोई स्टॉपेज के है एंड आई जस्ट लव्ड इट। हम यहाँ पर जल्दी से एक फ़ोटो शूट करवाने वाले हैं क्योंकि ये मैं आउटफिट प्रमोट कर रही हूँ अपने देवर जी का, और उन्होंने नया ब्रांड खोला है। तो जिन लोगों ने भी ब्रांड नहीं देखा मैं टैग कर दूँगी, आप लोग जाकर देखना और लेना। हम दोनों ने उसी ब्रांड के आउटफिट्स पहने हैं और एक जल्दी से एक फ़ोटो शूट करवा कर पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। जल्दी से जाओ और फ़ोटो लाइक कर कराओ। तो कैसे फोटो खींचनी है मैं ज़रा बताना। मैं सोचू इधर हाईवे के साथ खड़े होकर गाड़ी थोड़ा बीच में खड़ी कर दो, यहाँ खड़ी हो शांति से, है अच्छा लगेगा। ये टी शर्ट, ये टी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से पहनी है? ये स्पेशल है। पीछे घूम कर दिखाओ, नाइस। मेरी भी दिखाना ज़रा सबको, वैसे तो सेम ही है बट एक बार दिखा दो मेरी भी। गाइज आउटफिट चेक, सो दिस इज द आउटफिट। ये पीछे बैकग्राउंड है मेरा, बैकग्राउंड। अब ये मेरा टम्बलर और अब हम यहाँ पर फोटो शूट करवाएंगे। अभी एक मिनट पहले फोटो खींच पाई और देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। अब जल्दी से चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आपने मिस कर दी बाहर बारिश। चलो गाइज, मुझे कोई भीगने का शौक नहीं है, बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। और थैंक यू सो मच गॉड की बारिश हो रही है। दिल्ली में इतना गंदा वेदर हो रहा है ना, मतलब जलने वाली घुमोरियों वाली गर्मी हो रही है। फाइनली व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। चलो अब हम चले आगरा और ये गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आता है और आज हम इसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं पहले गई हुई हूँ पर फिर से आपको लेकर चलती हूँ। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से इतनी गंदी गर्मी थी और बाय चांस ऐसा हुआ कि जैसे ही हम ट्रिप पे निकले मौसम इतना सुंदर और सुहाना हो गया। आपको दिख ही रहा होगा कि कितने अच्छे बादल हो रहे हैं। एंड थैंक यू नेचर फॉर गिविंग अस सच ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑन आर जर्नी। तो हम दिल्ली से निकल कर ऑलमोस्ट 3 घंटे शायद उससे भी कम में आगरा पहुंच गए और हम यहाँ पर रुके थे फेयरफील्ड बाय मैरियट। अभी मैं आपको प्रॉपर रूम टूर और सारी चीज़ें दिखाती हूँ इस होटल की और आपको आगरा भी घुमाती हूँ। आउट ऑफ ऑल होटल्स इन आगरा मैंने ये होटल इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली था और इसके रेट्स मेरे एकदम प्राइस रेंज में आ रहे थे। प्लस इसके रूम से मुझे ताज व्यू मिल रहा था। सो गाइस, मैंने फेयरफील्ड बाय मैरियट में चेक इन कर लिया है और मैं आपको जल्दी से देती हूँ अपने रूम का क्विक टूर। सो आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया है ताज व्यू वाला रूम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी ताज मैंने फ्रॉम माय रूम। सो दिस इज द रूम, एक बार मैं फ्रॉम परफेक्ट। सो दिस इज माय रूम, ठीक है। ओ वेट वेट वेट, पर्सनलाइज मैसेज। एंड अब मैं मिस नंदा नहीं हूँ, अब मैं मिसेस सेठ हूँ। तो बट थैंक यू सो मच, इसको मैं घर लेकर जाने वाली हूँ। एंड आई हैव सम वेलकम ड्रिंक्स, ठीक है। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल रूम, और सिर्फ वेलकम ड्रिंक्स नहीं, यहाँ पर इन्होंने मेरे लिए रखा है ये वेलकम स्नैक्स। वेलकम टू फेयरफील्ड आगरा। एंड ऑल्सो रूम का बेस्ट पार्ट मैं आपको अब दिखाती हूँ। मेरे रूम का
जो स्पेशल थिंग है वो है ताज व्यू, और अब आपको अब देती हूँ ताजमहल का एक व्यू, दिख रहा है आपको। तो अगर आप भी इस होटल में स्टे करना चाहते हैं विद द ताज व्यू, तो मैं यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूँगी ताकि आप भी अपनी बुकिंग प्लेस कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट आगरा की मुझे इसका नेचर काफ़ी अच्छा लगा, लाइक इतनी ग्रीनरी एंड इतना वेल मेंटेन्ड है, मतलब मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी, बट दिस वॉज क्वाइट अमेजिंग एंड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। अब मैं आज सोच रही हूँ कि आज ताजमहल देखने जाया जाए। हाय गाइस, तो मैं रेडी होकर आ गई हूँ लंच करने के लिए, और आज हमारे लंच में कुछ स्पेशल थाली है जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या आज लंच पर मैं कर रही हूँ। और मेरे साथ बढ़िया चीज़ ये है कि लंच के साथ मेरे पास एक ब्यूटीफुल व्यू है, सो दिस इज़ माई व्यू। एंड बेस्ट पार्ट है कि व्यू के साथ भी ताज व्यू है। वैसे तो मेरे होटल से व्यू बहुत ही क्लियर है, बट क्योंकि मॉनसून शुरू हो गया है तो थोड़ी सी बादल और बारिश होने के चक्कर में व्यू थोड़ा सा अनक्लियर है। पूछती है, मेरा बेस्ट व्यू तो ये है यार, क्रिंज, सीरियसली क्रिंज, दिस इज द बेस्ट व्यू एंड माय ऑल टाइम व्यू। तो चलो इसी के साथ मेरी लगती है फेयरफील्ड बाय मैरियट की ब्यूटीफुल स्पेशल थाली। ये आगरा स्पेशल थाली है और ये इतनी बड़ी है कि इट इज़ गुड फॉर टू, बट मेरे हिसाब से 3-4 लोग तो आराम से ही खा लेंगे क्योंकि मेरी तो डाइट कम है। येलो दाल तड़का एंड द मिक्स वेजिटेबल एंड आलू गोभी अदरक एंड पनीर बटर मसाला, एक वन सूप एंड वन मिक्स रायता प्रिपरेशन एंड सैलेड एंड स्टार्टर में। सो इस होटल की जितनी तारीफ सुनी थी खाना उतना ही बढ़िया था, एक एक चीज़ की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से कर रखी थी, तो मैं तो इसको दूंगी 5 stars। आप भी अगर इस होटल में जाते हो तो ज़रूर ये थाली ट्राई करना। सो आई एम रेडी एंड ऑल सेट टू गो आउट फॉर डिनर एंड मे बी हम ताजमहल देख कर आए, तो आई विल कीप यू पोस्टेड। मैं आगरा में कुछ कैफ़े एक्सप्लोर करने आई हूँ, तो मैं आ गई हूँ माई बार हेड क्वार्टर एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा पहला दिन इन आगरा, एंड ओवरऑल इट वॉज अ फन डे क्योंकि आगरा में बहुत कुछ करने को है ताजमहल देखने के अलावा। अगर आप भी एक रिलैक्सिंग ट्रिप चाहते हो दिल्ली के आसपास, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आगरा ही चले जाओ, एक दिन आराम से चेक इन करके स्टे करो, मज़े में पार्टी करो, अलग अलग रेस्टोरेंट्स जाओ, और अगले दिन जाओ आप ताजमहल देखने। चलो आपको लेकर जाती हूँ अपने दूसरे दिन। हाय गाइस, सो इट्स माय डे 2 इन आगरा। मेरी थोड़ी बैटरी डाउन है क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, सुबह 5 बजे उठ के मैं शूट पे जा रही हूँ, मगर अब तो 6 बज गए, मैं शूट पे जा रही हूँ, और आज मैंने सोचा है ताजमहल के आसपास शूट करवाऊँगी क्योंकि इस टाइम मेरे हिसाब से भीड़ कम होगी, तो वो तो सारी डिटेल्स आपको मैं जाकर ही देती हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा आगरा का व्यू दिखाती हूँ कि आगरा कैसा है जिन लोगों ने नहीं देखा या जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए, एंड स्टे ट्यून्ड, आपको ताजमहल भी दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले फैक्ट से शुरू करूँगी जिन लोगों को नहीं पता, आगरा में ताजमहल है जो 7 wonders में से एक वंडर है, जो आज मैं देखने जा रही हूँ और मेरे साथ आप लोग देखने जा रहे हो। आगरा में ताजमहल के साथ साथ यहाँ का मुगल आर्किटेक्चर भी काफ़ी फेमस है और ये मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर दुनिया के हर कोने से लोग आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप दुनिया के किसी अलग कोने से हो, तो यहाँ पर आकर बिरयानी, कबाब और पेठा ले जाना मत भूलना, क्योंकि ये 3 चीज़ें यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑल्सो अ क्विक फैक्ट, आगरा वॉज अ कैपिटल फॉर मुगल एम्पायर इन 16th and 17th century। सो अब मैं आ गई हूँ ताजमहल, और सबसे पहले आते ही यहाँ पर मुझे 3600 गाइड मिल गए कि वो बोल रहे थे हम टूर करवाएंगे, बट हमारे को टूर की क्या ज़रूरत, हम खुद ही कर लेंगे। सो मैं आप लोगों को टूर करवाने वाली हूँ आज का,
बाकी की डिटेल्स तो आप गूगल से जाके पढ़ ही सकते हो। तो मैं ताजमहल तो आपको दिखाई दूंगी आज अच्छे से। तो चलो आओ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ताजमहल का रास्ता। रास्ते के साथ साथ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। ताजमहल बनवाया गया था मुगल एम्परर शाहजहां ने 1632 में अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में, और ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई थी 1653 में। इसका आर्किटेक्चुरल स्टाइल बहुत ही यूनिक और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से इंस्पायर्ड है। इंडियन, इस्लामिक, टर्किश और बहुत सारी जगह से इसकी इंस्पिरेशन लेकर ये ताजमहल बनवाया गया। और ये ताजमहल पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया है। और ताजमहल को बेसिकली सिंबल ऑफ लव भी बोलते हैं, क्योंकि शाहजहां ने इसको अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। ऑल्सो द फन फैक्ट जो मुझे अभी पता चला है ताजमहल आने के बाद, कि ताजमहल का कलर चेंज होता रहता है। इट्स जस्ट अ परसेप्शन। सुबह के टाइम पे आपको पिंक लगेगा, शाम के टाइम पे आपको मिल्की कलर लगेगा, और रात के टाइम पे आपको क्रीम गोल्डन कलर लगेगा। ये बिकॉज ऑफ द सनलाइट, मार्बल पे जब लाइट पड़ती है तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। ये हम पहुंच गए हैं एंट्री गेट पे, यहाँ से एंट्री लेते हैं। बट आने के बाद पता चला कि पहले टिकट लेनी है, तो हम यहाँ से वापस टिकट लेने के लिए गए। आप इसकी टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इसकी टिकट केवल 50 रुपये की है, बट अगर आप फॉरेनर विजिटर हो तो आपकी 1100 रुपये की टिकट होगी। और हाँ, इस टिकट से सिर्फ आप अंदर बाउंड्रीज में जा सकते हो, बट अगर आप मेन ताजमहल के अंदर जाना चाहते हो तो उसकी 200 रुपये और की टिकट है, जो आपको अंदर से ही मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम पहुंच गए ताजमहल की बाउंड्रीज में। ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री लेते हैं और सामने ही आपको दिखेगा ब्यूटिफुल सिंबल ऑफ लव, द ताजमहल। अच्छा, आपको पता है क्या, दिल्ली में कुतुब मीनार है और वो काफ़ी ही हाइट पर है, बट मुझे यहाँ आके पता चला कि ताजमहल की हाइट दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज़्यादा लंबी है। आपने अपनी सिटी में ताजमहल के रेप्लिका तो देखे ही होंगे, पर आज आप मेरी वीडियो में असली का ताजमहल देखने वाले हो, और आपको पता चलेगा कि ये कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल है। शायद पिक्चर्स और वीडियो से इतना ना पता चल सके, बट असली में ये प्यार की मूरत सबसे सुंदर थी। उस टाइम पे जब ये ताजमहल बनवाया गया था, इस पे ऑलमोस्ट 32 मिलियन रुपीज़ खर्च हो गए थे, बट आज के डेट में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 70 बिलियन रुपीज़ है। आई एम श्योर इसको मेंटेन करना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसकी ग्रीनरी आसपास की, नेचर और एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर और वेल मेंटेन्ड है। और आपको पता है क्या, ताजमहल को बनने में ऑलमोस्ट 20 साल लग गए थे, और 20,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स ने इसमें काम किया है। और इसको बनाने के लिए सारे मटेरियल्स अलग अलग सिटीज और अलग अलग कंट्रीज से आए हैं। इसी के साथ मेरा टूर कंप्लीट होता है ताजमहल का। अब जल्दी से कुछ फोटोज़ क्लिक करवा लेती हूँ और थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए वीडियोज़ बनवा लेती हूँ। पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझसे कुछ भी नहीं किया गया। बस ये 2-3 वीडियोस बनवाने के बाद मुझे तो था कि जल्दी से घर चलो। नो डाउट ताजमहल बहुत सुंदर है, बट यहाँ के लिए आपको मैं टिप्स दे देती हूँ। एक तो पानी की बॉटल ज़रूर लेकर आना, प्लस अपनी सनस्क्रीन अच्छे से लगा कर आना, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है कि बुरी हालत हो जाएगी। गर्मी लग रही है, शौक चढ़ रहा था ताजमहल घूमने का। प्लीज़। ओह वेट, यस, बिफोर आई एंड माय व्लॉग मैंने सोचा एक बार ये आपको होटल का भी टूर दे देती हूँ। सो दिस इज़ माय होटल जहाँ पर मैंने 2 दिन स्टे किया। सो अब मैं चेकआउट करने वाली हूँ, तो उससे पहले आपको एक क्विक टूर दे रही हूँ। ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर आपको साइड पे मिलेगा द मार्केट, जहाँ से आप अपना कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें खरीद के खा सकते हो अगर आपको पूरी रात मंचिंग करनी है। सो ये था वो कॉर्नर, यहाँ पर एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट था, और ये है इनकी लॉबी। और जल्दी से यहाँ से जाते जाते मैं आपको दिखा देती हूँ इस होटल का स्वीट, स्वीट कैसा है। मैंने बेल बजाई और ये है मेरे हस्बैंड जिन्होंने दरवाज़ा खोला शर्माते हुए, एंड दिस इज़ द रूम लॉबी। यहाँ पर आप बैठ के आराम से चिल कर सकते हो। यहाँ पर एक टीवी लगा है। इस रूम में आपको 2 टीवी मिलेंगे और एक बाथटब भी मिलेगा। यहाँ से अंदर जाते हुए फॉलोड बाय द बेडरूम, दिस इज़ द बेडरूम यू विल गेट विद अ ब्यूटिफुल व्यू।
जिस रूम में मैंने स्टे किया था वो भी प्रीमियम रूम ही था और ये इनका स्वीट है। बस यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आपको एक बाथटब और एक एक्स्ट्रा लिविंग एरिया मिलेगा। और ये मैं हूँ इन द मिरर एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल वॉशरूम विद ब्यूटिफुल टब। आई गेस दैट्स ऑल अबाउट इट। मेक श्योर आप मुझे सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसी अलग अलग वीडियो ट्रैवल की और डेली व्लॉग लाती रहती हूँ। ऑल्सो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करके बताना कि आप किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हो ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाऊँ आपके लिए।